मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके की पॉश कॉलोनी के 81 हिंदू परिवारों के सामूहिक पलायन का मामला आज फिर से उस समय गर्मा गया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दर्जन कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के साथ एक जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकले और नारेबाजी करते हुए लाजपत नगर के शिव विहार कॉलोनी जा पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ एक सामूहिक बैठक करके उन्हें आश्वासन देते हुए बोले कि यहां से कोई पलायन नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल कल मुरादाबाद पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर वो इस मामले का जल्द ही हल नहीं निकालता तो ऊपर सरकार से बात की जाएगी। और आज उन्हीं के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई दर्जन कार्यकर्ता एक जुलूस की शक्ल में मंदिर परिसर पहुंचे और मीटिंग के बाद मंत्रोच्चारण के साथ पूरी कॉलोनी की परिक्रमा करते हुए गंगा जल से उन मकानों का भी शुद्धिकरण किया गया जो मुस्लिमों द्वारा खरीदे गए हैं और जिनको लेकर विवाद गहराया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बात करते हुए कहा कि अब पलायन नहीं पराक्रम होगा। कमल जी किस लिए आए थे, क्या प्रकरण है? पूरा प्रकरण मुरादाबाद महानगर के अंदर लाजपत नगर के अंदर जो 100% हिंदुओं का ये क्षेत्र है यहाँ पर ये बोर्ड लग रहा है 81 परिवार एक साथ पलायन करने को मजबूर करेगा। कुछ मकान यहाँ पर कुछ जाकिर आदिल ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस लाजपत नगर के मकान खरीद रहे हैं और उनकी आप जानते हैं ये पलायन होता नहीं है, ये पलायन मजबूरी में होता है। पाकिस्तान किसी हिंदू ने छोड़ा इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा दिल है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए छोड़ा कि वहाँ से मुसलमानों ने उन्हें खदेड़ के निकाला। वो बेचारे वहाँ पर अपनी संपत्ति मकान दुकान व्यापार घोड़ जानवर सब छोड़ के भागे। ऐसी परिस्थिति यहाँ तक करी जा रही है जिस नाते इन 81 मकानों ने एक साथ निर्णय लिया कि हम मकान बेच के पलायन कर रहे हैं। पलायन के पीछे हमेशा योजना होती है और योजना छोटी बड़ी नहीं होती। मेरा मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योजना है कि हिंदू बाहुल क्षेत्रों के अंदर जाओ और वहाँ पर 2-4 प्रॉपर्टी खरीदो और वहाँ पर चूँकि हिंदू मांसाहारी नहीं है शाकाहारी होता है कुर्बानी करोगे वैसे ही बकरे भैंस काटोगे तो वो भैंस बेचारे चलने शुरू हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में मजबूर करा जाता है और मैं ये भी कह दूं आपको ये योजना नहीं है, ये ऐसा है कि हिंदू क्षेत्रों के अंदर जाके संपत्ति खरीद के हिंदुओं को वहाँ से निकालना और थोड़े बहुत हिंदुओं को बचा के रखना, बाद में उनकी संपत्ति ना खरीदना और झगड़ों के लिए प्रेरित होने पर यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम करने की योजना होती है ताकि एक बार वो अपने आकाओं को विदेशों में बैठे हुए दिखा दें हमने 500 हिंदू मुरादाबाद में मार दिया। इसलिए ये कुछ इन लोगों की जिन लोगों ने यहाँ पर संपत्ति खरीदते हिंदू क्षेत्रों में चाहे लाजपत नगर हो चाहे कोई भी हो मैं प्रशासन से शासन से खुली मांग करता हूँ इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, इसकी संपत्ति की इनकी आय के साधनों की जांच। आज आपने क्या किया करके? हमने आज इस कॉलोनी वालों से मिलकर ये कहा कि आप